So what's up guys, I hope you are all well. So today I am going to for Brunswick for my review. But on condition the weather is not perfect for Brunswick, but so आज मैं बाइक रिव्यू करूँगा सन भैया का जो न्यू लिया है, तो उसने बोला कि आजा बाइक का रिव्यू कर ले। मार्केट में जो लॉन्च किया ना बजाज ने जो CT 110X, तो उसी का रिव्यू आज करेंगे। चलो फिर चलते हैं। तो पहले मैं एक बात बताऊंगा कि जो CT 110X है वो पहले भी था, जो कि बैंड कर दिया था बजाज ने CT 100। तो इस बार जो उसने लॉन्च किया ना, तो पूरा ऑफ रोडिंग का मॉडल दिया है। तो जाएंगे और रिव्यू करेंगे, उसके बाद राइड लेंगे। चलो फिर। अभी हम जा रहे हैं सानू भाई का घर। चलो कैमरा सानू भैया का घर आया हूँ बाइक का रिव्यू करने। चलो फिर ओनर के साथ मीटअप करेंगे, उसके बाद बाइक का रिव्यू करेंगे। चलो फिर। अभी सानू भैया मेरे पास है बाइक का ओनर CT 110X, तो वो आज रिव्यू करेगा बाइक का क्या क्या है और क्या कुछ है। तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो बाइक देख सकते हो, बाइक का मॉडल CT 110X। ऑन में भी देख लो, ओनर साहेब सामने है। पूरा ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग मोड, ऑफ रोडिंग का लग रहा है पूरा।
सानू भैया बोलेगा इस बाइक के बारे में, तो सानू भैया स्टार्ट करो। बाइक का जो मेन रीज़न है अभी लेने का मेरा, एक्चुअली 250 cc का बाइक है, लेकिन इसका लेने का थोड़ा प्लान है कि लोकल सिटी में या फिर लोकल्स में चलाने में ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अभी जो पेट्रोल प्राइस हाइक हुआ है उसके चलते ये बहुत किफ़ायती है, और इसका जो लुक है इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर टूरर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है सबसे ज़्यादा मैं मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा एकदम मेटल, मैक्सिमम चीज मेटल का है, फाइबर बहुत ही कम यूज़ हुआ है। और दोनों साइड जो देख रहे हो ये जो टेल लाइट है ये बहुत ही रेट्रो लुक देता है। तो यहाँ पे भी ये आपका ये हुआ है, मतलब पूरा मेटल का बना हुआ है, ठीक ठाक है, बाकी सब बढ़िया है। तो ऑफ रोडिंग करने वाले हो तो इस बाइक में? ऑफ रोडिंग तो ज़्यादा पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ऑफ रोडिंग टायर भी दिया हुआ है। टायर भी देख लो यूरो ग्रिप का टायर है, यूरो ग्रिप का टायर है, इसका जो ब्रेकिंग है दोनों ड्रम ब्रेक है, लेकिन ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। सीटिंग पॉच है सबसे बढ़िया चीज़ है, सीटिंग पॉच है बहुत अच्छा है। हैंडल बहुत मतलब ऊंचा है, अपराइट पोजीशन पे है, आपको बैक पेन नहीं होगा। जो दूसरे बाइक में हम लोग हैंडल बार राइजर लगाते हैं उसका वो लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा एकदम गोल हेडलैम्प दिया हुआ है। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा इसका फ्रंट लुक देख के और बैक लुक देख के, थोड़ा डिफरेंट बनाने का कोशिश की है बजाज ने, ये देखते हैं आगे कैसे चलता है। आगे ओनरशिप रिव्यू 1000 किलोमीटर में देंगे, अभी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुआ है खरीदने के लिए। और ये आपका जो लुक कार्ड है इसमें भी थोड़ा डिफरेंट लुकिंग आता है, ये आपका बेस प्लेट है, ये भी मैंने लिखा है, ये सब है। अभी बाइक का तो जान लिया होगा कैसा क्या क्या है, तो अभी तुम एक काम करो, जब तुम बोलोगे कि 1 लाख में बाइक कौन सा आता है तो यही खरीदने को बोलोगे। तो 1 लाख में देखिए, 1 लाख में तो बहुत सारे बाइक आ जाते हैं, लेकिन जो बजट फ्रेंडली बाइक चाहता है जिसमें डेली कम्यूट करना होता है या फिर छोटा मोटा राइड, छोटा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बाइक मैटर नहीं करता है, बाइक को अगर सही से चलाओगे तो आप US भी पहुँच सकते हो उसी बाइक से। और अगर आपको मान लीजिए साउथ इंडिया जाना है या फिर गोवा जाना है, मतलब इवन आप इसमें खरबूजा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है सब, लेकिन बाइक को थोड़ा मेंटेन करके चलाना होगा। अभी जो प्राइस का जो इतना ज़्यादा मारामारी है तो उसमें तो ये बहुत किफ़ायती आने वाला है। तो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे उसके बाद एकदम बिल्कुल लीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से चले, बी सेफ, हेलमेट ऑलवेज वेयर हेलमेट, सेफ्टी गियर्स। तो अभी हम राइड में जाने वाले हैं, तो वीडियो को देखना पूरी तरह। नेक्स्ट राइड आने वाले हैं सानू भैया मेरे साथ, तो 2-3 दिन के बाद जाएंगे हम लोग। और सानू भैया को कंग्रेचुलेशन टू यू, तो लद्दाख जाने वाले हैं, हमारा गैंग का फर्स्ट मेंबरशिप। और दूसरी बात वो देखो भाग गया, ठीक है चलो फिर। Oh
के साथ टेस्ट ड्राइव लेंगे, कैसा फील हो रहा है अभी देखेंगे। पहले सानू भैया ने लिया था, अभी हम लेंगे। कम्फर्टेबल है भालो भाई, कम्फर्टेबल है भालो भाई। कंफर्टेबल वालों चलो चलो चलो, बहुत ही अच्छी बाइक है, अगर लेना चाहे तो ले लो। 100 and 110 के अंदर, 100 cc के अंदर लेना है तो ले लो ये बाइक, बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल। फ्रंट लुक बहुत ही अच्छी है और बाइक का जो फीचर्स है वो भी अच्छा है, पहले से बेहतर है। और राइड करने का जो राइड करेंगे इस बाइक में उससे कंफर्टेबल फील आएगा, बहुत ही अच्छी है। गाइस वीडियो इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना।